हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। माय नेम इज़ रोहन एंड वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। आज की वीडियो में हम करेंगे कुछ मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। हमारे पास है ए प्लस बी इज इक्वल टू 14 और ए इंटू बी इज इक्वल टू 20। और हमें निकालना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है। तो हमारे पास क्या है, अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और वो प्लस 2ab को अगर इधर ले आए, माइनस 2ab कर दें, तो हमारे पास क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब ए प्लस बी हमें क्या दिया, 14, तो यह आएगा 14 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी क्या है, 2 इंटू 20 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 14 का स्क्वायर क्या होगा, 196, और माइनस 2 इंटू 20, 40 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, 196 माइनस 40, 156। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ए ऑप्शन 156। नेक्स्ट है हमारे पास, अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड। एक रोड पे रोड रोलर होता है जो रोड क्या लेवल करता है, ठीक है, उसमें उसके 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस लगते हैं, ठीक है, रोलर के, जो उसमें आगे रोलर होता है गोल वाला, एक रोड को पूरी को लेवल करने में। तो फाइंड द एरिया ऑफ रोड, हमें रोड का एरिया बताना है जो उसने लेवल करी। अगर डायमीटर ऑफ रोड रोलर कितना है, 84 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी है, 1 मीटर। ठीक है, तो रोड रोलर किस शेप का होता है, ऐसे सिलेंडर शेप का होता है, ठीक है। अब ये एक रेवोल्यूशन में जो है, ठीक है, एक रेवोल्यूशन में कैसे जाएगा, ऐसे रोल करता हुआ जाएगा यहाँ तक, अगर मान लें यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ऐसे रोल करता हुआ यहाँ पे कहीं पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसने कितना एरिया कवर किया, ये इसने अपने सरफेस एरिया जितना कवर किया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया जितना एरिया रोड का इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक कवर किया। और ऐसे इसने कितने राउंड, कितने रिवोल्यूशन लगाए, 750 लगाए, ठीक है। तो एक रेवोल्यूशन में इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आएगा, पहले वो निकालते हैं हम। कर्व्ड सरफेस होता है हमारा 2πr(h), ठीक है। तो ये आ गया 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितनी है हमारी, रेडियस हमारी ये क्या है, डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी 42, इसका हाफ होगी, तो ये हो गया 42। अब ये किस में है, सेंटीमीटर में, और हाइट या फिर लेंथ किस में है इसकी, ये क्या है, 1 मीटर है, 1 मीटर ये है, और ये कितनी है, 42 सेंटीमीटर। तो इसको हम मीटर में ले लेते हैं, तो क्या कर देंगे, अपॉन 100 इंटू हाइट कितनी है, हाइट या फिर लेंथ जो हमें दी है वो कितनी है, 1 मीटर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो इसको हम अगर करें तो हमारे पास क्या आ गया, 7 × 6, तो ये आ गया हमारे पास 2 × 22 × 6/100। ये क्या आ गया, ये एरिया इसने कवर किया एक रेवोल्यूशन में, और रेवोल्यूशन कितने लगाए इसने, 750 पूरी रोड के लिए, तो इंटू 750 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 75 × 2 = 150 × 6 × 22 कितना आएगा, 132, और अपॉन में 10, 1 0 से कैंसिल आउट हो गया, 15 से 132 को करेंगे क्या आएगा, 15 × 2 = 30, 15 × 3 = 45 और 3 = 48, 1980, ठीक है। और ये क्या है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया था भैया, लेंथ जो थी मीटर में थी, और हमने ये जो सेंटीमीटर था इसको भी मीटर में चेंज कर दिया था, तो ये आ गया। अब ऑप्शन ए हमारा 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, बी ऑप्शन क्या है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बी, हमें यूनिट का भी ध्यान रखना है। थर्ड है हमारे पास, द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल। बीच में से क्या है, एक गार्डन है जो कि कैसा है, रेक्टेंगुलर है, और सेमी सर्कुलर एंड्स, एंड क्या है इसके, सेमी सर्कुलर, ठीक है। और द टोटल लेंथ ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग द सेमी सर्कल इज 20 मीटर। सेमी सर्कल्स को मिला के यहां से यहां तक कितना है, 20 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी है, ये कितना है, 7, ठीक है, 7 मीटर। तो हमें क्या, पेरीमीटर ऑफ गार्डन बताना है, हमें क्या बताना है, पेरीमीटर ऑफ गार्डन, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या होगा, एक तो ये वाली साइड, फिर ये सेमी सर्कल, ठीक है, ये साइड, और फिर ये वाला सेमी सर्कल, ठीक है, ये होगा इसका पैरामीटर। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 20 है पूरा, ठीक है। तो ये बीच वाला कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी, ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये रेडियस है, 7 क्या है इसका डायमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा 3.5, ये वाला, और ये पार्ट भी कितना हो जाएगा ऐसे ही 3.5, ठीक है। तो ये टोटल 20 है, 20 में से
ये यहाँ से आता है 20, इस वाले पार्ट को घटा दें और इस वाले पार्ट को घटा दें, तो -3.5 और -3.5, तो ये क्या आ गया 20 -7, तो ये आ गया 13। तो ये 13 क्या है, ये बीच वाला पार्ट है 13, ये वाला सिर्फ, ये रेक्टेंगल का जो लेंथ है ये कितनी है 13। अब सेमी सर्कल का जो हम वो निकालेंगे वो कितना आएगा, 2π r और अपॉन 2, क्योंकि सेमी सर्कल है इसकी सरकमफ्रेंस आएगी, ठीक है, तो ये आ गई π × r, पाई कितना 22/7 और रेडियस कितनी है हमारे पास 3.5, ठीक है 3.5 है इसकी रेडियस। अब ये भी 2 टाइम्स है, एक बार ये और एक बार ये, तो इसका क्या कर दिया हमने 2 टाइम्स, ठीक है, तो ये कितना हो गया 22/7 × 3.5 × 2 7, तो ये कितना आ गया 22, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, इसका और इसका ऐड करके कितना आया 22, फिर प्लस ये वाला कितना है, ये वाला और ये वाला, नीचे वाला हमारा क्या आया था 13, और ये ऊपर वाला भी इसके बराबर है, तो ये भी कितना है 13, तो +13, तो ये कितना हो गया 13 + 13 26 और +22 48, तो ये क्या हो गया हमारा पैरामीटर, हमें पैरामीटर निकालना, तो ये कितना हो गया बी ऑप्शन 48 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8। डिनोमिनेटर कौन सा, नीचे वाला, ठीक है, अगर न्यूमरेटर हमने x मान लिया तो डिनोमिनेटर कितना हो गया x+8, क्योंकि ये कितना है 8 बड़ा है न्यूमरेटर से। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, अगर न्यूमरेटर को हम 17 बढ़ा दें, तो 17 + 17 कर दिया, ठीक है, और डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, डिनोमिनेटर में से एक माइनस कर दिया, तो नंबर हमारा क्या आ गया 3/2 आ गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, रैशनल नंबर बताना है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, हमने माना क्या था इसको x/8 माना था, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या था 8 बड़ा था न्यूमरेटर से। अब इसमें हमने 17 ऐड किया और -1 कर दिया, 3/2 आ गया, ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास 8x+17 / x+7 = 3/2, यह आएगा 2x+34 = 3x+21, ये आएगा हमारे पास 34 में से 21 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 34, ये आएगा 34 - 21 = ये क्या आएगा 3x - 2x, ठीक है, तो x हमारे पास क्या आ गया 13, x हमारे पास 13 आ गया, ठीक है, तो हमारा न्यूमरेटर क्या आ गया 13 और डिनोमिनेटर क्या आ गया 13 + 8 = 21, तो आंसर क्या हो गया हमारा सी ऑप्शन 13/21। नेक्स्ट हमारे पास ड्यूरिंग अ सेल शॉप ऑफर डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क्ड प्राइसेस ऑफ ऑल आइटम्स, ठीक है, सेल में क्या किया, एक शॉप ने 10% डिस्काउंट दिया है हर चीज़ के, हर आइटम के मार्क प्राइस पे, तो कस्टमर को कितने पैसे देने होंगे, उसे क्या खरीदने है, एक जीन्स खरीदनी है, ठीक है, जिसका प्राइस कितना है 1450, और दो शर्ट खरीदनी है, टू शर्ट जिनका है 850 ईच, एक का 850 है तो दो का कितना होगा 850 + 850, ये कितना होगा 1700, ठीक है, दो का 1700 और एक जीन्स का कितना है 1450, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो गया टोटल 053150, ये उसको टोटल अमाउंट इतना पे करना था, ठीक है, इस पे क्या हुआ, उसे 10% का डिस्काउंट मिल गया, ठीक है, तो इसका 10% कितना होगा 10/100 × 3150, तो ये कितना हो गया 315 रुपीज़ का उसको डिस्काउंट मिल गया, तो उसको कितने अमाउंट देना पड़ेगा, इसमें से 315 को क्या करेंगे माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 और ये कितना होगा 2 8, तो 2835 पे करना पड़ेगा, तो आंसर क्या हो गया ए ऑप्शन। अ काउ इज टाइड टू अ पोल फिक्स्ड एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ ग्रास ऑफ साइड 40 m/43 m, ये हमारा क्या है स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड कितनी है 40 मीटर, इसके एक कोने पे गाय को बांध दिया, ठीक है, एक गाय को यहाँ पे कोने पे बांध दिया, ठीक है, कितनी 20 मीटर तक लेंथ की रोप से, रोप की लेंथ कितनी है 20 मीटर, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, द एरिया ऑफ फील्ड विच द काउ कैन नॉट ग्रेज, वो एरिया बताना है जिसमें गाय चर नहीं सकती, ठीक है, तो चरेगी कहाँ से कहाँ तक, अगर यहाँ पे ये रोप है, ठीक है, तो इस सेमी सर्कल में, सिर्फ इस सेमी सर्कल में क्या कर सकती है, सॉरी इस क्वार्टर में, ठीक है, ये क्या है क्वार्टर है एक सर्कल का, ठीक है, इस सिर्फ इस क्वार्टर में चर सकती है वो, तो ये वाला एरिया कितना है, ये वाला एरिया बताना है, इसमें नहीं चर सकती, तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, इस पूरे इसका एरिया पूरे स्क्वायर का एरिया कितना होगा 40 × 40 और माइनस इस क्वार्टर का एरिया, इस क्वार्टर का एरिया कितना होगा
वन बाई फोर, ये सर्कल का वन बाई फोर पार्ट है, तो ये कितना हो गया वन बाई फोर इंटू पाई और इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 20, इंटू 20 इंटू 20, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो ये आ गया 40 इंटू 40 कितना आया 1600, माइनस ये आएगा 1/4 इंटू पाई की वैल्यू हमें कितनी दी है 3.14 लेनी है हमें अगर दी है तो, इंटू ये आएगा 20 इंटू 20, ठीक है, तो ये आएगा 4 इंटू 5 और ये 20 इंटू 5 100 और 100 इंटू 3.14 314, तो ये आएगा 1600 माइनस 314। अब इसमें से 314 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 6, ये 8, ठीक है, और ये 1286, तो हमारा आंसर क्या हो गया बी ऑप्शन 1286 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर और इसकी पावर कितनी 1/2 और इसका होल का क्यूब, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है कितना आएगा। तो 24 स्क्वायर सबसे पहले देखते हैं कितना आएगा, 24 स्क्वायर आना चाहिए 576 प्लस 7 स्क्वायर 49, ठीक, इसकी पावर क्या है 1/2 और इस पूरे की पावर क्या है क्यूब, ठीक है, 576 प्लस 49 कितना आएगा 625, ठीक है, इसकी पावर 1/2 और पूरे का क्यूब। 625 क्या होता है 25 का स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 और इसका पूरे का क्यूब इज इक्वल टू, ये आएगा, अब ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, तो ये आएगा 25 इंटू 2 इंटू 1/2 और पूरे का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा, ये बचा क्या 25 का क्यूब बचा हमारे पास, ठीक है, और 25 का क्यूब कितना होता है 25 इंटू 25 कितना होगा 625 और इसको फिर से 25 से करेंगे तो क्या आएगा 25 इंटू 5 125, 12 कैरी, ये 62, 6 कैरी, 25 इंटू 6 15625, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा 15625 बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास थ्री नंबर आर टू वन अनादर 2:3:4, तीन नंबर का रेशियो दिया है हमें 2:3:4, तो हमने क्या मान लिया इनको 2x, 3x और 4x मान लिया। अब द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज, सम ऑफ देयर क्यूब इनके क्यूब का सम, तो 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब और प्लस 4x का क्यूब, ये कितना दिया है हमें 33957, ये दिया है हमें, ठीक है, तो 2x का क्यूब क्या होगा 8x क्यूब प्लस ये आएगा 3 × 3 × 3 27x क्यूब और प्लस 4 × 4 × 4 64x क्यूब इज इक्वल टू कितना है 33957, ये हमारे पास। अब ये 64 प्लस 27 प्लस 8 कितना होगा 99 और x क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा 33957। अब x क्यूब हमारे पास क्या आ गया, x क्यूब आ गया 33957 अपॉन 99, अब इसको 99 से करेंगे तो क्या आएगा 3, ये जाएगा इधर 4, हमारे पास क्या आ गया x क्यूब क्या आ गया हमारे पास 343, x क्यूब आ गया 343, तो x कितना आएगा क्यूब रूट ऑफ 343, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 343 क्या होगा 7, ठीक है, 7 को तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 343, तो x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। अब हमसे पूछा है द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट इनके ये कितना होगा, x 7 आ गया तो ये कितना 7 × 2 = 14 और ये 21 और ये 28, तो लार्जेस्ट कौन सा हुआ 28, तो आंसर क्या हो गया हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास रहीम्स इनकम इज 25% मोर देन रमन, ठीक है, रमन की हमने मान ली, रमन की हमने मान ली 100 है इनकम, ठीक है, तो रहीम की कितनी है, रहीम की इससे 25% ज़्यादा है, ठीक है, तो 25% ऑफ 100 निकालेंगे तो क्या आएगा 25 ही आएगा, ठीक है, तो 100 में जब 25 जोड़ेंगे तो 125 आ गई, ठीक है, तो ये क्या हो गई रहीम की इनकम हो गई। अब व्हाट परसेंट ऑफ रमन्स इनकम इज लेस देन रहीम्स इनकम, ठीक है, रमन की इनकम कितनी कम है रहीम से, ठीक है, तो रमन की इनकम कितनी है, कितनी कम है, कितने परसेंट कम है, तो ये कितनी होगी 25 कम है, ठीक है, ये कितनी है 125 माइनस 100 और अपॉन हमें परसेंट किसकी पूछी है, रमन के हिसाब से पूछी है, तो रमन की कितनी है टोटल 100 और इंटू ये क्या आएगा 100, ठीक है, हमें क्या पूछा है व्हाट परसेंटेज रमन्स इनकम लेस देन रहीम्स इनकम, ठीक है, रहीम की इनकम से
कितनी परसेंट कम है, तो ये होगी रहीम इनकम, ठीक है, रहीम माइनस रमन, ठीक है, अपॉन रहीम और इनटू 100, ठीक है भाई, क्योंकि हमें किसके रेस्पेक्ट में पूछी है, हमें रहीम के रेस्पेक्ट में पूछी है, ठीक है, तो रहीम की कितनी है 125 माइनस 100 अपॉन, ये कितनी होगी 125 और इनटू 100, तो कितनी आ गई 25 अपॉन 125 और इनटू 100, ये होगी 5 टाइम्स और ये 20 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 20%, आंसर क्या हो गया बी। नेक्स्ट हमारे पास, आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इट इज सोल्ड फॉर 880 द मार्क्ड प्राइस इज, ठीक है, हमने क्या मान लिया 100 है, ठीक है, मार्क्ड प्राइस क्या मान लिया हमने 100, तो इस पे क्या हुआ 12% का डिस्काउंट है, तो 12% ऑफ 100 कितना होगा 12 होगा, तो इसमें से क्या करेंगे माइनस 12, तो ये कितना बचा 88, ठीक है, और 88 हमें किसके इक्विवेलेंट दिया है 880 के, ठीक है, तो एक किसके इक्विवेलेंट हो गया 880 अपॉन 88 10 के, ये कितना है 10 आएगा, हमें निकालना क्या है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस कितना है 100 है, तो 100 का इक्विवेलेंट क्या होगा 100 और इनटू 10, ठीक है, कितना हो गया 1000, तो हमारा मार्केट प्राइस कितना हो गया 1000, तो आंसर क्या हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 12,000 फॉर 3 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो सबसे पहले अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल 12,000 इंटू 1 प्लस आर कितना है 10 अपॉन 100 और रेस्ट टू द पावर कितना है 3, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 12,000 और इंटू ये क्या आएगा 1 प्लस 1 बाई 10 तो ये हो गया 11/10 और इसकी रेस टू द पावर 3, ये हो जाएगा 12,000 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी जीरोस, ठीक है, तो ये कितना बचा 11 इंटू 11 121 और 121 इंटू 11 1331, ठीक है, 11 का क्यूब कितना होता है 1331 और इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 12 इंटू 1 12 12 थी 36 और 1 37 12 इंटू 3 36 और 3 39 15972, ये क्या आ गया हमारा अमाउंट आ गया अमाउंट, ठीक है, हमें क्या पूछा है हमें लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना आ गया 15972 और माइनस कितना हुआ 12,000, तो यह आ गया 3972, तो आंसर क्या हो गया हमारा ए ऑप्शन 3972। नेक्स्ट हमारे पास, वन एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 108 डिग्री एंड द रिमेनिंग थ्री एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, एक एंगल 108 है और बाकी के तीन एंगल इक्वल है, तो बाकी के तीन एंगल को हमने क्या मान लिया x मान लिया, ठीक है, तीनों इक्वल हैं तो तीनों क्या हो जाएंगे x x x और एक कितना है 108 डिग्री और सारों को ऐड करके क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम क्या होता है 360, तो ये कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 360 माइनस 108, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो गया 360 माइनस 108 ये आएगा 252, ठीक है, तो x कितना आ गया 252 डिवाइड बाय 3, 3 से करेंगे तो क्या आएगा 84, तो एंगल का सम सारों का क्या x 84 आया और सारे x ही थी माने थे हमने, तो क्या आ गया 84, तो आंसर क्या हो गया बी ऑप्शन 84 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास, एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, ठीक है, एक अनबायस्ड डाई को हमने थ्रो किया, डाई क्या मतलब जो डाइस देखा होगा आपने लूडो वाला, ठीक है, उस पर कौन कौन से नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आउटकम कितने हो गए 6, 1 से 6 आ सकता है, अब हमें क्या चाहिए इवन नंबर चाहिए, इवन नंबर कौन कौन से इसमें 2 4 और 6, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 3 और टोटल आउटकम कितने हो गए 6, तो आंसर क्या हो गया 3/6, तो ये आ गया 3 से ये 2 टाइम्स जाएगा तो 1/2, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2, तो आंसर क्या हो गया बी ऑप्शन 1/2। नेक्स्ट हमारे पास, द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -11/3, -11/3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर इस नंबर को किसी नंबर से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेगी 1 आ जाए, ठीक है, तो अगर मान लो हम इस एक्स मान लिया हमने इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एक्स है, तो -11/3 अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो एक्स क्या हो गया इस ये 3 उधर चला जाएगा और 11 नीचे चला जाएगा और माइनस इधर चला जाएगा, तो x क्या हो गया -3/11, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हुआ -3/11, तो बी ऑप्शन।
नेक्स्ट हमारे पास अ बैग कंटेन आठ ब्लैक बॉल्स, आठ एट कितनी है ब्लैक, 10 रेड है और 12 कितनी है ब्लू, ठीक है। तो टोटल बॉल्स कितनी हुई, 12 प्लस 10 प्लस 8 30, ठीक है, टोटल 30 बॉल्स हैं। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग विदाउट लुकिंग इन टू द बैग, एक बॉल निकाली हमने ऐसे आंख बंद करके, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर अ ब्लू बॉल नोर अ ब्लैक बॉल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है कि ना तो ब्लू होनी चाहिए बॉल और ना ही ब्लैक, तो ना तो ब्लैक होनी चाहिए और ना ब्लू होनी चाहिए, तो कौन सी होनी चाहिए, इसका मतलब रेड होनी चाहिए, ठीक है। तो फेवरेबल केस कितने हो गए, 10 हो गए, रेड बॉल कितने हैं 10 अपॉन टोटल कितने हैं 30, तो 10 अपॉन 30 कितना हो गया 1/3, तो आंसर क्या हो गया बी ऑप्शन 1/3। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ आए होंगे, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।